नमस्कार। गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, आपको मालूम है कि भगवान गणेश जी सृष्टि के सबसे पहले स्टेनोग्राफर हैं। आप पूछेंगे कैसे? भाई, उन्होंने ऋषि वेद व्यास जी के द्वारा जो वर्णन की गई महाभारत है उसको लिखा था, लेकिन क्योंकि भगवान है तो उन्होंने शर्त रखी। उन्होंने वेद व्यास जी से कहा कि मैं जो है वो लिखूंगा महाभारत, लेकिन आप बीच में रुकेंगे नहीं बोलने से। जहां पर आपने बोलना जो है रोक दिया, मैं भी लिखना रोक दूंगा। तो महर्षि वेद व्यास जी ने उन्होंने एक काउंटर शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि आप जो है जो भी आप लिखेंगे वो सोच समझ के लिखेंगे। और महाभारत में आपको मालूम है 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक है, लेकिन जो है वो भगवान गणेश जी को इससे कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि वो बुद्धि का भंडार है। उनके जो बड़े बड़े कान हैं वो इस बात का सिंबल है कि वो हर चीज को बहुत ध्यान से सुनते हैं। और मस्तिष्क जो है, बड़ा मस्तिष्क है, तो इसका मतलब ये है कि विजडम बहुत ज्यादा है। उन्होंने विजडम जो है हर चीज को कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनकर समझकर उन्होंने स्टोर करके उसमें उन्होंने मतलब लिखते रह गए, और इसको लिखने में सालों लग गए। अब देखिए, अचानक ही लिखते लिखते जो जिस पंख से वो लिख रहे थे वो टूट गया। अब गणेश जी के पास बिल्कुल समय नहीं था, ना ही वो अपने वचन से दूर होना चाहते थे। उन्होंने अपना एक दांत जो है टस्क दांत निकाला, खड़ा और लिखना शुरू कर दिया। इसलिए उनको एक दंत भुजाधारी भी कहते हैं, ओरिजिनल जो उसका वर्जन है। तो अच्छा, बड़ा जो पेट, आप ये मत सोचिए कि इसका खाने से कोई लेना देना नहीं है। इट इज जस्ट स्टमक स्टोरेज ऑफ विजडम एंड एनर्जी। तो और उन्होंने जो अपने हाथ में कुल्हाड़ी है वो यही है कि नेगेटिव थॉट को काटते रहिए। और उन्होंने आशीर्वाद के रूप में अपने हाथ भी खड़े किए हैं। भाई, हमारे कर्म अच्छे होंगे तो भगवान जी आशीर्वाद देंगे ही देंगे, नहीं? और जो मतलब मान लीजिए रस्सी है, रस्सी का मतलब ये है कि जो आपकी डिजायर्स है, अगर इच्छाओं को अगर आप कंट्रोल में नहीं रखते हैं तो जीवन जो है बिखर के रह जाता है। तो व्याख्या अलग अलग हो सकती है, और लेकिन अगर जो भगवान गणेश जी के जो सिंबल्स हैं, जो उनकी विचारधाराएं जो है हमें सुनने या देखने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है, उसका अगर 10% भी हम अपने जीवन में धार लें तो जीवन जो है वो बिल्कुल ही बहुत ही मंगलमय हो जाएगा। तो एक बार दोबारा से जो विघ्नहर्ता गणेश जी चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।